छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सभी 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। ये दावा दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। लगे हाथ प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि भले ही हम विधानसभा चुनाव में हार गए, लेकिन लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। ये दावा है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल का। उम्मीदवारों के नाम तय करने का दावा करते ही रजनी पाटिल ने प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर दिया। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के तमाम आला नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन किया। उसके बाद बयान आया, नाम तय हो गए, क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम जीतने जा रहे हैं। अच्छे वोटरों से हम आएंगे छत्तीसगढ़, हम हमारे तरफ लाएंगे लोकसभा में। सभी सीटें क्लियर हो गई मैम, सभी सीटें जाएंगे। अब सीसी में पैनल बनाया मैम कुछ सीटों पर? नहीं, अभी इतना जहाँ पे हमें थोड़ा लगता है कि पूछना है, निर्देश लेना है, उसके लिए पैनल बनाया। बाकी क्या उम्मीद है, कितनी सीटें आ रही है अभी? वो तो मैं अभी यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन आज पूछेंगे तो 11 से 11 हम जीतने वाले। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि सभी सीटों पर नाम तय हैं, लेकिन जहां दावेदार एक से अधिक होंगे उन सीटों पर दोबारा चर्चा जरूर होगी। लगे हाथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के बड़े नेता चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी सर? मुझे नहीं लगता, फाइनल हो गई अब। हाँ, जहां एक से ज्यादा नाम होंगे तो उसकी फीडबैक ले सकते हैं। तो सीसी का सर, वो तो सीसी तय करेंगे। सीसी के पहले सारा फीडबैक लेके सीसी फाइनल। क्या उम्मीद है, कब तक सर सीसी होगा? पैनल बना के तो सीसी के मेंबर हैं सर। क्या बड़े नेता पार्टी के चुनाव लड़ेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्य चेहरे जो हैं? लड़ सकते हैं। आप भी हैं उसमें सर? मैं, पारिवारिक कारण है, व्यक्तिगत कुछ कारण है। बघेल साहब करेंगे? संभावना तो माननी चाहिए। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से बाहर निकले प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। उन्होंने दावा किया, भले ही हम विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन लोकसभा की सभी 11 सीटें जरूर जीतेंगे। खुले माहौल में चर्चा करी है और 11 की 11 सीटों के ऊपर अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, और जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट हम लोगों ने किया है और चर्चा करी है, और एक ही क्राइटेरिया है कि कैसे हम लोकसभा का चुनाव जीतें। छत्तीसगढ़ में हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन हमारा जो वोट का डिफरेंस था वो 1.5% का था, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो नई सरकार बनी है वो अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है, और 10 साल की जो केंद्र की सरकार है उसकी रिपोर्ट भी लोग देख रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी में सरगर्मी नजर आ रही थी, लग रहा था कि विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव के लिए भी वो सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करेगी, लेकिन कांग्रेस के मौजूदा दावे बता रहे हैं कि इस मामले में उसने बढ़त बना ली है। हालांकि अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ, इस लिहाज से कैंडिडेट घोषित करने के मामले में कम से कम कांटे की टक्कर जरूर है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अशरफ काजमी की रिपोर्ट। और अब खबर असरदार में बात पहाड़ों की करेंगे, जहां बर्फबारी लगातार जारी है। कई लोग तरसते भी हैं बर्फबारी के लिए, तो वहीं कुदरत ने सबकी मुराद पूरी कर दी। वादियों के साथ साथ सड़कों पर भी बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। 3 पहाड़ी राज्यों में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से दिक्कतें भी खड़ी होने लगी हैं। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, हर तरफ सफेदी छाई हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल की वादियां बर्फ से गुलजार हैं। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। इन 6 तस्वीरों में देखिए, ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ों पर हिमयुग लौट कर आ गया है। जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद तो दूर दूर तक बस बर्फ ही बिछी हुई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। श्रीनगर में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है।
सड़कों पर 2 इंच से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। सैलानियों की तो बहार ही आ गई, वो जमकर मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नजारा पहलगाम का नहीं, सोनमर्ग का नहीं, गुलमर्ग का नहीं, बल्कि श्रीनगर की सड़कों पर ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। लगभग 4 से 5 इंच की जो बर्फ है वो सड़कों पर जमा हो गई है। एक सफ़ेद मोटी चादर जो है बर्फ की वो बिछी हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, इसके लिए लोग दुआएं कर रहे थे। और जब से चिल्ला खुर्द की शुरुआत हुई है तब से ही मौसम बिल्कुल बदल गया है और उसी वक्त से जो है यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल रही है और आज भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कश्मीर की ऊंची ऊंची वादियों में हर जगह बर्फ दिखाई दे रही है। इतने कठिन हालातों के बीच सेना के जवान एक गर्भवती महिला के लिए देवदूत बन गए। कुपवाड़ा में जवानों ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया क्योंकि बर्फबारी से रास्ते बंद हो चुकी थी। देश के कोने कोने से सैलानी गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं। वहीं विदेशी पर्यटक भी कश्मीर टूर पर आए हैं। स्कीइंग को लेकर रोमांच दिखाई दे रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है और टूरिस्ट भी काफी खुश है और सभी लोग हैं जो मुंतजर थे आज तक बर्फबारी हो। और क्या कहेंगे आप इस हवाले से, टूरिज्म के हवाले से? गुलमर्ग जो है हमारी ये राउंड डेस्टिनेशन है और खासकर ये स्नोफॉल में विंटर में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पे हम जो स्कीइंग कराते हैं विंटर में उसके लिए काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं और हर कोई थ्रू आउट जम्मू कश्मीर और पूरे देश में स्नोफॉल का इंतज़ार कर रहा है। अनफॉर्चुनेट थोड़ा जनवरी में स्नोफॉल डिले हुआ, वी हैड ए गुड स्नोफॉल जैसे कि आप देख रहे। स्कीइंग भी आज हम लोगों ने शुरू किया, हमने इसकी पेट्रोल टीम भी डिप्लॉय की है हर जगह से एंड वी आर हैप्पी। रामबन की इस मनमोहक तस्वीरों को देखिए, बर्फ से दूर दूर तक सब ढक चुका है। पुलवामा में भी बर्फबारी को लोग तरस रहे थे। त्राल में भी हर तरह बर्फ ने डेरा जमाया हुआ है। बर्फबारी से जहां स्थानीय लोग खुशहाली की उम्मीद लगाए हुए हैं, तो वहीं खराब मौसम दिक्कतें भी पेश कर रहा है। लेह में बर्फ गिरने से हवाई और सड़क यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। मीना मार्ग में 12 इंच बर्फबारी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की ऊंचाई वाले इलाकों में हर तरफ बर्फ ही नजर आ रही है। डलहौजी में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। शिमला में भी बर्फबारी से हर तरफ सफेद उजाला फैला हुआ है। काफी समय बाद लोगों की मन की मुराद पूरी हुई है। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान -6 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड में भी मौसम की चाल पूरी तरह से बदल चुकी है। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। चमोली के ग्रामीण इलाके भी बर्फ से ढके हुए हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। एक दर्जन से ज्यादा गाँव पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। चक्राता में सड़कों पर बर्फ ने घर बना लिया है। यहाँ स्नो ब्लोवर मशीन से सड़क की बर्फ हटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए इसी के साथ खबर असरदार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।